हेलो गाइस, वेलकम बैक फॉर अनदर वीडियो। गाइस, पिछली वीडियो में हमने बात करी थी रियलमी 9 प्रो सीरीज की। रियलमी 9 प्रो स्मार्टफोन के जो स्पेसिफिकेशन है, जो ऑफिशियल कंफर्म हो चुके हैं, उसमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलने के। लेकिन अब रियलमी 9 प्रो प्लस जो वेरिएंट है, उसके स्पेसिफिकेशन ऑफिशियल कंफर्म हो चुके हैं, इसी वीडियो में बताने वाले हैं। क्योंकि लास्ट वीडियो में उन्होंने बताया था कि रियलमी 9 प्रो प्लस वेरिएंट के अंदर आपको परफॉर्मेंस मिलेगी 695 की चिपसेट, लेकिन अब डायमेंसिटी 920 की चिपसेट के साथ आएगा Realme 9 Pro Plus वेरिएंट। सो गाइस, आगे जाकर के इसी वीडियो में बताने वाले हैं कि Realme 9 Pro Plus वेरिएंट के अंदर आपको क्या क्या स्पेसिफिकेशन मिलने वाले हैं, जो कि ऑफिशियल कंफर्म हो चुके हैं, आगे जाकर के इसी वीडियो में बताने वाले हैं। सो गाइस, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे एक रिक्वेस्ट आएगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि लेटेस्ट स्मार्टफोन से रिलेटेड जानकारी आपको कंटिन्यू चैनल में मिलती रहेगी। सो गाइस, फटाफट से कर लेते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो प्रीमियम स्मार्टफोन होने वाला है Realme 9 Pro Plus वेरिएंट, और यहां पर आपको आगे और पीछे दोनों में ग्लास देखने को मिलेगा। ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिलने वाली है फ्रंट में, और यहां पर आपको एल्युमिनियम फ्रेम देखने को मिलेगा शायद इस बार। तो बिल्ड क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी, डिजाइन आप वीडियो में देख लीजिए, इस प्रकार का डिजाइन अभी तक लीक हुआ है और यही शायद कंफर्म हो चुका है। फोन के डिस्प्ले की बात करें तो यहां पर आपको 6.43 इंच की फुल HD प्लस वाली सुपर एमोलेड पैनल देखने को मिलेगा, वो भी 90 गीगाहर्ट्ज़ का स्मूथ रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। वॉचिंग कंटेंट का आप मजा खूब ले पाएंगे, गेमिंग अच्छी कर पाएंगे। यहां पर आपको 20:9 का एक्सपेक्ट रेशो, 1080x2400 पिक्सल का रिजोल्यूशन, HDR10+ की सर्टिफिकेशन, वाइड वाइन L1 की सर्टिफिकेशन के साथ आएगा ये स्मार्टफोन। ओवरऑल डिस्प्ले के मामले में आपको कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलेगी, काफी अच्छी डिस्प्ले देने वाली है Realme 9 Pro Plus वेरिएंट के अंदर। तो यहाँ पर टॉप लेफ्ट साइड में आपको पंच होल देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं फोन के मेन पार्ट यानी उसकी परफॉर्मेंस की। तो पिछली वीडियो में हमने बताया था क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 की चिपसेट देखने को मिलेगी, अब नहीं आएगा इस चिप के साथ, अब आएगा मीटेक डोमेसिटी 920 चिप के साथ। ये 5G चिप होगी और 6nm प्रोसेस पर बनी भी होगी, तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल करके देने वाला है Realme 9 Pro Plus वेरिएंट। और यहाँ पर अगर CPU परफॉर्मेंस की बात करें तो ऑक्टाकोर CPU परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, वो भी 64-bit वाली, और यहाँ पर 2.5 GHz की पीक क्लॉक स्पीड देखने को मिलने वाली है। Cortex A78 और A55 के आपको CPU कोर देखने को मिलेंगे, CPU परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी मिलने वाली है, यहाँ पर भी बेफिक्र रहिए। गेमिंग के लिए MediaTek हाइपर इंजन 3.0 वर्जन यूज़ किया गया है, ये टेक्नोलॉजी गेमिंग के लिए काफी कमाल की होने वाली है। और गेमिंग को संभालने के लिए माली G68 MC2 ग्राफिक्स देखने को मिलेगी, जिसके 9% फास्टर गेमिंग रेंडर्स या परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी डायमेंसिटी 900 चिप्स के मुकाबले। तो काफ़ी अच्छी ग्राफिक्स मिलेगी, परफॉर्मेंस भी आपको तकड़ी मिलने वाली है इस फोन के अंदर। अब बात करते हैं फोन के मैन कैमरे की, तो ये ऑफिशियल कंफर्म हो चुका है, ट्रिपल एयर कैमरा देखने को मिलेगा बैक में, और 50 MP का मैन कैमरा होगा OIS की सपोर्ट के साथ, एंड 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंड 2 MP का मैक्रो कैमरा देखने को मिलने वाला है। OIS की सपोर्ट देखने को मिलेगी इस कैमरे के अंदर, और यहां पर आप फुल HD तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। ओवरऑल कैमरा मॉड्यूल आपको अच्छा मिलेगा। यहां पर सेल्फी कैमरे की, तो टॉप लेफ्ट साइड में आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, यहां पर आपको 16 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है, और फुल HD तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। ओवरऑल कैमरा मॉड्यूल आपको अच्छा मिलेगा, कैमरे में आपको कोई शिकायत देखने को नहीं मिलने वाली इस फोन के अंदर। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो एंड्रॉइड वर्जन 11 के साथ आएगा, और यहां पर रियलमी का इंटरफेस देखने को मिलेगा 2.0 वर्जन। ये थोड़ा सा अटकने वाली बात होगी इस फोन के अंदर। बैटरी बैकअप की बात करें तो वही 4500 mAh की बैटरी प्लस 65W इसमें फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी, और USB टाइप सी पोर्ट मिल जाएगा आपको चार्जिंग के लिए। बात करेंगे इसमें सिक्योरिटी की, तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक देखने को मिलेगा आपको सिक्योरिटी के तौर पर। ये स्मार्टफोन दो वेरिएंट में आएगा, 8GB 128GB एंड 8GB 256GB रैम टाइप में आपको LPDDR4X वर्जन, और स्टोरेज टाइप में आपको UFS 2.2 वर्जन देखने को मिलने वाला है। 3 कलर ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ब्लू, ब्लैक एंड ग्रीन। इस फोन के अंदर आपको डुअल सिम स्लॉट देखने को मिलेंगे, माइक्रो SD कार्ड स्लॉट देखने को नहीं मिलने का, और यहाँ पर आपको 3.5mm ऑडियो जैक देखने को मिल जाएगा। अदर सेंसर सभी मिल जाएंगे जो एक स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलते हैं। ब्लूटूथ साउंड क्वालिटी की बात करें तो डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर साउंड क्वालिटी भी आपको अच्छी देखने को मिलने वाली है। गाइस, अब बात करते हैं फोन के प्राइसिंग एंड लॉन्चिंग डेट यानी कि रिलीज डेट की। तो लॉन्चिंग डेट इसकी बहुत ही करीब आ चुकी है, फरवरी मंथ में लॉन्च किया जाएगा Realme 9 Pro सीरीज, और ये ऑफिशियल कन्फर्म हो चुकी है।
अब बात कर लेते हैं फोन के प्राइसिंग की। तो जो बेस वेरिएंट है 8GB 128GB उसके प्राइस होंगे अराउंड 22,000। ये ऑफिशियल नहीं है लेकिन ये एक्सपेक्टेड है, इसी प्राइस के आसपास ये स्मार्टफोन लॉन्च किया जाएगा। गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।